हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये वीडियो में हम लोग मैग्नेटिज्म चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे। सो ये चैप्टर आपको 11th में भी है, 12th में भी है। सो पहले 11th का देखते हैं। सो बेसिकली जो मैग्नेटिज्म में आपको पता रहेगा, मैप बार मैग्नेट होता है। बार मैग्नेट को नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, ये दोनों पोल्स के बीच जो डिस्टेंस रहता है उसको मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। टोटल लेंथ को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल लेंथ बोलते हैं। सो आपका 12 क्या है? मैग्नेटिक लेंथ है, ठीक है। और आपका ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या रहता है? एंड टू एंड, ठीक है। और जो मैग्नेटिक लेंथ रहता है, पोल टू पोल डिस्टेंस। नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। आपको पता ही होगा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड ऑन साउथ पोल, ठीक है। और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, ये ध्यान में रखना। आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट होता है। सो बार मैग्नेटिक के लिए जो भी आपका स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट है वो मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, एम इंटू 12 होता है। एम क्या होता है? आपका पोल स्ट्रेंथ। और सेम यदि आपका करंट कैरिंग कॉइल है और सोलेनाइड जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके लिए आपका मैग्नेटिक मोमेंट वो भी एक्ट करता है एज अ मैग्नेट। एन आई ए, एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। आई क्या? करंट थ्रू सोलेनाइड। और ए क्या? एरिया क्रॉस सेक्शन, मोस्टली पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो पहला फॉर्मूला रिलेशन दिया मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ में। सो ज्योमेट्रिकल लेंथ बेसिकली ज्यादा बड़ा होता है बिकॉज वो एंड टू एंड मैग्नेट का है, और मैग्नेटिक लेंथ क्या? पोल। समझ रहे ना आपको? आपका ये मैग्नेट का पोल्स है, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को 12 बोलते हैं, और ये पूरा डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल लेंथ, ठीक है। सो आपका ये फॉर्मूला किसके लिए? मैग्नेटिक मोमेंट फॉर ए सोलेनाइड और करंट कैरिंग कॉइल हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स। देन आपका टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बार मैग्नेट दिया है, और ए बार टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सोलेनाइड, एम डी साइन थीटा। यहाँ पे आपका बार मैग्नेट रहेगा तो एम इंटू 12 हो जाता है, और यदि करंट कैरिंग कॉइल रहेगा तो क्या हो जाता है? एन आई ए। मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा आपका जब थीटा क्या होगा? 90 होगा। फिर आपका ये जो फोर्थ फॉर्मूला दिया है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के लिए दिया है, बी एच क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, वीवी क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट है, डेल क्या है? आपका एंगल ऑफ डीप। सो एंगल ऑफ डीप के लिए फॉर्मूला दिया है, और टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला दिया है। देन आपका फॉर्मूला है फिफ्थ फॉर्मूला, आपका मैग्नेटिक एक्सिस पे कोई पॉइंट है। सो एक्सिस क्या होता है? अ लाइन पासिंग थ्रू द बोथ द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। और इक्वेटर क्या होता है? अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ मैग्नेट। सो एक्सिस पे कोई पॉइंट रहेगा एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम एनी पोल। सो यहाँ पे डी क्या? डिस्टेंस फ्रॉम एनी पोल दिया हुआ है, ओके। एम क्या? मैग्नेटिक मोमेंट। कॉइल रहेगा तो आपको एन आई ए लेना है, बायर मैग्नेट रहेगा तो स्मॉल एम इंटू 12, स्मॉल एम मीन्स पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। यदि आपका ये जो डिस्टेंस है और जो लेंथ है, ओके, ये क्या है? मैग्नेटिक लेंथ। 12 मीन्स मैग्नेटिक लेंथ होता है, एल बोला तो हाफ ऑफ मैग्नेटिक लेंथ। यदि वो बहुत स्मॉल रहेगा कंपेयर टू डिस्टेंस, सो ये एल निग्लिजिबल हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा? मी 0/4m 2m बाय डी क्यू। इक्वेटर के लिए क्या आता है? सिर्फ यहाँ पे 2 है एक्सिस में, यहाँ पे 2 नहीं रहता। सो ध्यान में रखो आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, बी एक्सिस अपॉन बी इक्वेटर क्या होता है? 2/1, और बी एक्सिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी इक्वेटर फॉर द सेम डिस्टेंस, ठीक है। सो ये ध्यान में रखो। इसके बाद कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, वाटर एग्नोल लाइंस, आइसोगोनल लाइंस, आइसोक्लिनल, एक्लिनल, ये सब पढ़ लो। इसमें मैग्नेटिक पोटेंशियल का जो यहाँ पे नीचे दिया गया है, मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू द पोल का फॉर्मूला दिया हुआ है, फिर मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए बार मैग्नेटिक फॉर्मूला भी ध्यान रखो। अलॉन्ग द इक्वेटर रेडियल लाइन है क्या होता है? एम इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको एक जनरल फॉर्मूला भी दिया है यहाँ पे, ये म्यू 0/4π। इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखा है? म्यू 0/4π एम इन एम बाय डी क्यू 3 cos² θ, 3 cos² θ + 1। यहाँ पे थीटा क्या है? एंगल ऑफ बी विथ एम डायरेक्शन, विथ द मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। सो थीटा के टर्म्स में दिया रहेगा तो आप 3 cos√3 cos² θ + 1 ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये मैग्नेटिक पोटेंशियल के फॉर्मूले भी ध्यान में रखो, ए भी आता है ड्यू टू पोल एंड बार मैग्नेट, ठीक है। और मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है आपका? नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल, इसका यूनिट क्या है? जूल पर एम्पियर पर मीटर, ठीक है। आपका ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? टेस्ला होता है, वेपर पर मीटर स्क्वायर होता है, और क्या होता है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। सीजीएस यूनिट क्या होता है? गॉस, ये ऑलरेडी मैंने एमडब्ल्यूसी में बताया। मैग्नेटिक इंटेंसिटी एम्पियर पर मीटर, उसका सीजीएस यूनिट ओरेस्टेड, ये हम आपस पढ़ेंगे, 12th में सब दिया है। मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट दिया है एम्पियर मीटर स्क्वायर, पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है? एम्पियर मीटर।
ठीक है, डायमेंशन तो निकालना इजी है इनका। फिर 12th का पार्ट में है आपका, ये तो ऑलरेडी कवर किया, टॉर्क ऑलरेडी है आपका, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, एक इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट, करंट करंट और ऑर्बिटल करंट आई बोलते हैं, ई बाय टी होता है, 1/T आपका एफ होता है, आपका एफ क्या होता है, ओमेगा अपॉन 2 पाई, यहाँ पे बेसिकली ई इंटू बी आन लिखना चाहिए, इधर पे मिस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका और एम जीरो क्या है, आपका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, ये क्या होता है आपका ई अपॉन 2m है टाइम्स ऑफ एल जीरो, एल जीरो क्या है आपका एंगुलर मोमेंटम है, सो ई अपॉन 2m को क्या बोलते हैं, गैरोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है, एम ई आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तब उसके लिए ये वैल्यू आता है, जब आपका इलेक्ट्रॉन रहेगा तब, बिकॉज ई चार्ज और इलेक्ट्रॉन सबको पता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 × 10⁻³¹ kg, सो ई बाय 2m को गैरोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, इसका यूनिट क्या होता है कूलम पर केजी, इसका वैल्यू है फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पार्टिकल चेंज होगा तो चेंज होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, ये मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका क्या हो सकता है, मास डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम आपका क्या हो सकता है, मास अपॉन डेंसिटी भी हो सकता है, ठीक है। फिर एच क्या है आपका, मैं एम जे क्या था, मैग्नेटाइजेशन था, एच क्या है आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, बी जीरो अपॉन म्यू जीरो, ठीक है, ये आपका एम जे के टर्म्स में, ये आपका एच मैग्नेटिक इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ सोलेनाइड, नंबर ऑफ टर्न्स पर इंटू करेंट, एक्स एम क्या है आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दिया है, बी जीरो क्या है आपका ओरिजिनल मैग्नेटिज्म, और बी क्या है जब आपका कॉइल के अंदर आप कोई भी एक ऐसा आयरन रॉड रखते हो, और मैग्नेटाइज्ड रॉड, ठीक है, सो कैसा, बी जीरो आपका ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड रहता है, बी क्या रहता है मैग्नेटिक फील्ड प्लस आपका मैग्नेटाइज्ड आयरन की वजह से जो मैग्नेटिज्म है, देन म्यू आर क्या है आपका रिलेटिव परमियाबिलिटी, म्यू क्या है रिलेटिव परमियाबिलिटी है म्यू आर, म्यू क्या है परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम, म्यू जीरो क्या है परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, डेल एम क्या है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये आपका क्यूरीज लॉ है, क्यूरीज लॉ क्या बोलता है, मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड जितना ज्यादा रहेगा उतना ही आपका मैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा मैग्नेटाइज होगा, और टेम्परेचर का इन्वर्सली होता है, ये टोटल मैग्नेटिज्म, वी जीरो क्या मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, और बी एम क्या मैग्नेटाइज जो भी आपका मैग्नेटिक में, जैसे आपका कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड रहता है, ठीक है, उसका वैल्यू वी जीरो है, इसमें आपने एक आयरन का रॉड रख दिया, सो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वी जीरो, ये भी मैग्नेटाइज हो जाएगा तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा बी एम, तो ओवरऑल क्या हो गया वी जीरो प्लस बी एम, सो ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखो, यहाँ पे एच क्या है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है, फिर रिलेशन है मैग्नेटाइज्ड फील्ड क्या है मी जीरो एम जे, ये आपका डेल एम ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ का रिलेशन दिया ऑलरेडी हमने देखा, ये आपका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट, एंगल ऑफ डिप और टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका अलॉन्ग एक्सिस एंड अलॉन्ग इक्वेटर हमने ऑलरेडी 11th पे देख लिया, बट आपका ध्यान में रखो एंगल दिया रहेगा तो फॉर्मूला क्या आएगा मी जीरो अपॉन 4π 3 cos square थीटा प्लस 1, थीटा क्या एंगल ऑफ बी विथ एम डायरेक्शन, ये दिया रहेगा आपको एंगल, ठीक है, एंगल विद द थीटा, एंगल विद द एक्सिस बोल दो, एंगल विद एक्सिस, यदि एंगल विद इक्वेटर दिया रहेगा तो उसमें 90 ऐड करने का, ठीक है, एंगल विद एक्सिस है थीटा, इन शॉर्ट ध्यान में रखो, सो ये आपका 12th का मैग्नेटिज्म के सारे फॉर्मूले है, ठीक है, ये सब ये शीट आपको मिल जाएगा कल जब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कंबाइन शीट आपको मिल जाएगा, ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।